शहडोल दिनांक 9/9/2022 को गणेश प्रतिमा विसर्जन किया जाना है। प्रतिमा विसर्जन का ये दौर कल से प्रारंभ होकर 3 दिनों तक चलता रहेगा। इस हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अनंत चतुर्दशी एवं प्रतिमा विसर्जन का ये पर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन से पहले संभायुक्त शहडोल श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल श्री DC सागर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती वंदना वैद, पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री मुकेश कुमार वैश्य के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के सभी चौराहों, मार्गों एवं संवेदनशील इलाकों से एवं थाना क्षेत्रों में SDOP एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस द्वारा सभी लोगों से मूर्ति विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं बिना किसी भय के पूजा एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन करने की अपील की गई। साथ ही NGT की गाइडलाइन के अनुसार नदी तालाब जलाशय के बजाय प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम जलाशयों कुंडू में की प्रतिमा का विसर्जन करने की अपील। वहीं पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च के माध्यम से इस सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाले व्यक्तियों एवं पर्व के दौरान अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न करने की मंशा रखने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी स्वरूप कड़ा संदेश दिया गया। शहडोल जिले के सभी वासियों से सभी को मैं गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह त्यौहार सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से मनाएंगे। जो विसर्जन करेंगे उसमें अपना और अपने परिजनों का खास ख्याल रखेंगे कि कोई पानी में न जाए, सुरक्षित होकर ये उत्सव मनाए, यही सबसे अपील रहेगी, सबसे बेहतर रहेगी। धन्यवाद। शहडोल के वासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हर त्योहार एक सांप्रतिक सद्भाव का संदेश लेकर आता है। मेरे सभी नगरवासियों से आग्रह है कि इसको अच्छे शांति सम्राट उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि इस गणेश उत्सव के बाद एक त्योहारों की एक श्रृंखला है। सभी उत्सव जैसे हमारा शहडोल इस चीज के लिए जाना जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, उसी तरह आगे भी जाना जाएगा। गणेश उत्सव के इस हवन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आज जो ये फ्लैग मार्च रूट मार्च इस संभाग के कमिश्नर साहब श्री राजीव शर्मा जी, कलेक्टर वंदना मैडम और SP प्रतीक और उनके एडिशनल SP DSP और पूरा फोर्स, ये रूट मार्च इस उद्देश्य से निकाला गया है कि इस महोत्सव को लोग हर्षोल्लास से मनाएं, बिना किसी विघ्न के मनाएं, मिलजुल के मनाएं। गणेश विसर्जन को विशेष रूप से लोग ध्यान रखें कि वहां पर जो उपस्थित पुलिस का बल है, होमगार्ड का बल है, SDRF का बल है, उनके बताए अनुसार, उनके निर्देश अनुसार वो विसर्जन करें, जिससे कि किसी भी प्रकार का जल से संबंधित या और अन्य किसी प्रकार का हादसा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणेश उत्सव के अवसर पर, और चंद लाइन और मैं कहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत रहना। धन्यवाद। जय हिंद।